कोरोना की दहशत के कारण देश भर में लोग मदद के लिए आगे आ रहे हैं। ऐसे में सहारनपुर के देवबंद में स्थित दारुल उलूम ने कोरोना के खिलाफ बड़ा ऐलान किया है। दारुल उलूम देवबंद ने कोरोना वायरस की लड़ाई में अपना अहम योगदान देने के लिए सीएम योगी और जिले के आला अधिकारियों के नाम पत्र लिखा है। इस पत्र में कहा गया है कि योगी सरकार को अगर जरूरत पड़े तो वो दारुल उलूम के हॉस्टल को आइसोलेशन सेंटर बना सकती है। दारुल उलूम के प्रवक्ता असरफ उस्मानी ने बताया कि दारुल उलूम ने एक पत्र मुख्यमंत्री और जिला अधिकारी को भेजा है, जिसमें कहा गया है कि अगर सरकार को जरूरत पड़े तो 100 कमरों से ऊपर वाले हॉस्टल को छात्रों से खाली कराकर सरकार उसे आइसोलेशन सेंटर बना सकती है। दारुल उलूम देवबंद ने ये फैसला किया है कि अगर कोई एमरजेंसी होती है और आइसोलेशन वार्ड की जरूरत पड़ती है तो हमारे पास जो दारुल कुरान की बिल्डिंग है उसमें आइसोलेशन वार्ड बनाया जा सकता है। उसके लिए हमने हुकूमत को ऑफ़र की है कि वो अगर चाहे तो COVID-19 की फाइट में हम उसके साथ खड़े हैं और ये वार्ड बना सकते हैं। देश में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसको देखते हुए सरकार द्वारा लगातार आइसोलेशन वार्ड बनाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि देश में इस समय कोरोना की संख्या 1200 के पार पहुंच गई है, जिसके चलते काफी गंभीर है और इसे रोकने के लिए कड़े कदम भी उठाए जा रहे हैं। सहारनपुर से रामकुमार पुंडीर की रिपोर्ट।